एक दिन की डीएमएसपी व सीडीओ बनी प्रियांशी वैष्णवी और संस्कृति। बता दें, महिला को सशक्त और जागरूक बनाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से शुरू किए गए मिशन शक्ति अभियान 5 के तहत और कन्या इंटर कॉलेज की कक्षा 12 की छात्र प्रियांशी सिंह ने डीएम की भूमिका निभाई। डीएम की कुर्सी पर बैठकर उन्होंने कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई की। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की 12वीं की छात्रा वैष्णवी को पुलिस अधीक्षक बनाया गया। सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज केन पद बांदा की 12वीं की छात्रा संस्कृति को मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया। जनसुनवाई के बाद डीएम व एसपी बनी छात्राओं ने महिला थाना व पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। वहीं छात्राओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एक दिन का डीएम एसपी बनना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक दिन की डीएम एसपी डीएम प्रियांशी ने लोगों की जन समस्याएं सुनी। वहीं वैष्णवी एसपी ने बखूबी जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभाई। संस्कृति को सीडीओ का पद सौंपा गया था, कमान उन्होंने संभाली। बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले मैं तो मिशन शक्ति के तहत जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने इस मिशन को 5वें चरण में जो चला रहे हैं उनके लिए सर्वप्रथम मैं धन्यवाद, और अपने बांदा जिला के जिलाधिकारी को मैं धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे इस अवसर एक अवसर प्रदान किया कि मैं एक दिन की डीएम बनकर अधिकारी बनकर अपने अपने जिले में जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकूँ, मतलब लड़कियों और महिलाओं का उनका आत्मसम्मान बढ़ा सकूँ। इसके लिए तो मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे 7-8 मिले हैं। कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मैं यही चाहूँगी कि हर लड़की को भी, मतलब अपने जिस तरह आज एक मुझे बैठाएगा तो आगे किसी और को, तो हर लड़की को एक ना एक दिन ये अवसर ज़रूर मिलेगा। और हमें तो अगर हम एक दिन के लिए बने तो मैं तो यही चाहूँगी अगर ऐसा हो तो मैं हमेशा के लिए बनूँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, एक तो मेरा सपना भी है लेकिन कभी तो लगता है कि ज़रूर पूरा होगा, लेकिन आज एक दिन में जो मैंने बैठा तो लग रहा है कि वो सपना मेरा बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। बेटा क्या नाम है आपका? वैष्णवी गुप्ता। किस क्लास की छात्र? 11th की। किस विद्यालय की? पीएम श्री बालिका इंटर कॉलेज। आज आपको एक दिन का स्कूल बनाया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने प्रार्थना पत्र आपको प्राप्त हुए? अभी तक मुझको 3 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, एक लाउड स्पीकर का, एक डैड प्रथा का, और दूसरा मतलब उनके बगल पड़ोसी वाला, उनको परेशान किया जा रहा है। क्या निर्देश दिया आपने? गिरफ्तारी का निर्देश किया और आगे इस पर कार्रवाई की जाए, इसका निर्देश दिया हमने। क्या लगता है क्या भविष्य में आप भी तैयारी करेंगे IPS की? ऑफकोर्स। प्रदेश सरकार के आदेश स्वरूप यहाँ बानम किस तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिशन शक्ति का जो कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, फेज 5 का आरंभ हो चुका है। उसमें हमारे जनपद के ऊपर भी जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें सभी जगह पर मिशन शक्ति सभी थानों में सभी इकाइयों में पुलिस के एवं जो विभिन्न विभाग हैं उन सब में ये मिशन शक्ति का प्रोग्राम चल रहा है। आज हमने जो स्टूडेंट महिला स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे पुलिस अधीक्षक का आज उसको एक दिन का चार्ज दिया है, उनको हमारे कार्यालय में जनसुनवाई कराई है, एवं महिला थाने में उनको भेजा है, एवं विभिन्न कॉलेज स्कूल्स में भी भ्रमण कर रही हैं और वो बच्चों की समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं उसको समझ रही हैं। साथ ही हमारी जो पुलिस लाइन है उसकी व्यवस्था को भी वो देखेंगी और इसके उपरांत उनसे एक फीडबैक लिया जाएगा। ये पूरा प्रोग्राम जितनी हमारी महिलाएँ हैं, बच्चियाँ हैं, उनको उनसे फीडबैक लेने का है, उनको सुरक्षा प्रदान करने का है, एवं पूरी कानून व्यवस्था को जिले में उसको वुमेन प्रायोरिटी को देखते हुए, सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देते हुए कार्रवाई करने का है। तो लगातार हमारा जनपद इसमें कार्रवाई कर रहा है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स इसमें लिए जा रहे हैं। अभी आप सभी जानते हैं कि ई रिक्शा के ऊपर भी हमारे द्वारा QR कोड लगवाए गए हैं जिसमें जितने ड्राइवर्स हैं उनकी एज का वेरीफिकेशन एवं उनके एड्रेस फोटो सभी का वेरीफिकेशन, इसका मेन जो उद्देश्य है वो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना एवं वो जिस भी ई रिक्शा में बैठे हैं उसका पूरा ID वो कॉपी कर सकती हैं, क्योंकि QR कोड को अपने परिवार को भेज सकती हैं ताकि वो जहाँ से जा रही हैं वो पूरा रास्ते के बारे में अपने संबंधित रिश्तेदारों को बता सकें एवं सुरक्षित रहें। ऐसे और भी प्रोग्राम्स लगातार इससे जो 90 दिन का महिला शक्ति फेज 3 मिशन का प्रोग्राम उसमें चलते रहेंगे, और भी अच्छे प्रोग्राम इनोवेटिव प्रोग्राम्स जनपद में कराए जाएंगे।
ताकि बहुत अच्छा सुरक्षा का एनवायरनमेंट जो है हम सभी महिलाओं को सभी बच्चियों को अपने स्तर से दे सकें।